भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की खबरें थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि 5 बजे शाम को भी एक वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर दिया था। वैसे तो शाम 7 बजे लिख करके दिया था, लेकिन उसको 5 बजे उसको करना था, भूल गया था। तो 7 बजे का अब ये वीडियो अब आप देखने जा रहे हो, इसको पूरा देखना। वहीं पर आपको बता दें, जानकारी बहुत ही बड़ी देने वाले हैं आप सबको, बहुत सी बहनों की नींदे उड़ने वाली हैं। जो भी आंगनबाड़ी बहनें स्वयं सहायता समूह में या तो अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के या सचिव के किसी भी पद पर हैं, यानी कि किसी भी समूह में अगर आंगनबाड़ी जुड़ी है, तो ऐसी बहनों को दिक्कतें आ सकती हैं। यहां पर अभी संबंध में सरकारी आदेश भी आ गया है अपने विभाग से, तो आप देख सकते हो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मुरादाबाद जिले के हैं, 24 मार्च को उन्होंने अपने वहां के समस्त सीडीपीओ लोगों को आदेश भेज करके कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित किए जाने वाले राशन का उठान परियोजना कार्यालय से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराया जा रहा है। यह भी संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव ये बनी हुई है, अतः परियोजना कार्यालय से स्वयं राशन का उठान भी कर रही हैं, जिससे वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आप अवगत ही हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर रहते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अन्य पद पर नहीं रह सकती, अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का स्वयं सहायता समूह में पद प्राप्त करना नियम के विरुद्ध है। ऐसा जो है डॉक्टर अनुपमा साडेले जो डीपीओ है मुरादाबाद के, उन्होंने लेटर जारी करके कहा है। नीचे उन्होंने लिखा भी है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपनी परियोजनाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संबंध में जाँच कर लो, और वे किसी स्वयं सहायता समूह में किसी पद पर तो नहीं है। यदि कोई कार्यकर्ती स्वयं सहायता समूह में किसी पद पर तैनात हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भी अवगत कराना सुनिश्चित करो। तो इस संबंध में एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को आज शाम के 7 बजे के इस वीडियो में देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी बड़ी लग रही होगी, बहुत सी बहनों की नींदें भी आज उड़ जाएंगी अगर वो समूह के पद पर हैं, समूह में किसी भी पद पर हैं, यानी समूह खुलवाया है उन्होंने और उसमें भले ही वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो भी हो, सचिव जो भी है, यानी समूह में नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहां पर विभाग के सरकारी आदेश में जिक्र है। अब फिलहाल के लिए आगे क्या होता है वक्त बताएगा। आप सब जो भी कहना चाहो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय सभी भाई बहन दे सकते हो, और हां यह भी बता सकते हो कि आप अगर समूह के समूह में हो या नहीं हो, यह भी आप यहां पर बता सकते हो। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, रेखा बहन आती है अंबेडकर नगर से, उन्होंने एक सवाल भेजा है। इनका कहना है, सुधांशु भैया क्या प्रोत्साहन राशि का पैसा 2018 से जो मिलने वाला था वो मिलेगा या नहीं, बताने की कृपा करें। तो यहां पर रेखा शुक्ला बहन पूछना चाहती हैं, 2018 से जो प्रोत्साहन राशि वाला पैसा मिलना चाहिए था, क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें तो उसकी कोई उम्मीद नहीं नजर आती है, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो बताया जाएगा, अभी तक तो फिलहाल के लिए मुझे तो नहीं लगता कि 2018 वाला प्रोत्साहन राशि किसी को मिल पाएगा। अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता, और वो अभी तक मिला नहीं है, तो अब आगे उसके बारे में उम्मीद मुझे तो खास तौर पर नहीं है। वैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। खैर यहां पर बता दे, सबाना बहन आती है बिजनौर से, और उन्होंने अपने वहां से एक मैसेज किया, जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पूर्व में भवन किराया निकला है, वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्यालय में उपस्थित हो। यह सबाना सिद्दीकी बहन वार्ड नंबर 19 जिला बिजनौर जो है वहां से आती, उन्होंने एक मैसेज भेजा जो विभाग ने उनको भेजा होगा। अब क्यों बुलाया जा रहा है वो भगवान जाने, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन बुलाया गया है। वहीं सरिता सिंह बहन बलिया से आती, उन्होंने कहा है, भैया जी जो स्मार्टफोन हमें मिला था विभाग वाला, उसमें क्रोम ब्राउजर आ गया है, और अब यूट्यूब फेसबुक सब चल रहा है क्रोम ब्राउजर से। तो जो स्मार्टफोन नए वाले आए हैं, उनमें ऊपर से ही सारे अब जो ऐप आने होते हैं वो वहां से ही डाले जाते हैं, और अलग से आप लोग कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो क्रोम ब्राउजर जिनमें आ गया है, उसमें आप अगर गूगल वूगल सर्च करेंगे, उसके बाद में यूट्यूब जो भी सर्च करना चाहो, सब कुछ वहां से डायरेक्टली जो चला सकती हो, बाकी कोई ऐप डाउनलोड आप नहीं कर सकती हैं। इधर बात करते हैं
मुसरत बहन जो आती हैं मुरादाबाद से, और मुरादाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुरादाबाद से 25 मार्च को एक ये लेटर जारी हुआ है। 29 मार्च को जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी, यानी जिला अधिकारी के कार्यालय पर आंगनबाड़ी बहनें 29 तारीख को प्रदर्शन करने वाली हैं। और इस संबंध में एक ये लेटर है, देश की 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित 28-29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तमाम ट्रेड यूनियन इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। मुरादाबाद में भी जो है बहनें वहां पर में हिस्सा लेंगी। तो बता रही हैं कि इस निर्णय के अनुसार 29 मार्च को अपराह्न 1 बजे अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर के पैदल मार्च करते हुए अपनी मूल मांगों को लेकर के, जिनमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वैधानिक न्यूनतम वेतन, समान जो है जीवन जीने का लायक पेंशन की मांग, इन सब मुद्दों को लेकर के बहनी जो है बहने अपना आवाज उठाएंगी और आगे बढ़ेंगी। वहीं पर आपको बता दें इसी बीच एक और खबर आ रही है, काफी चौंकाने वाली है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। पंजाब में विधायकों को अब सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चर्चाओं में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है और बताया जा रहा कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इसमें लिखा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक भले ही 5 बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ 1 कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। इससे हुई बचत को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये डिसीजन है, अन्य राज्य सरकारों में भी लेना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ बाकी सांसद विधायक कोई भी जो है मंजूरी नहीं होंगे, कोई खड़े ही नहीं होंगे, आप सोचिएगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने पंजाब में यह कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, आगे आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ऐसा अगर है तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया है, क्योंकि अगर कर्मचारी पूरा जीवन भर संघर्ष करता है, अल्प मानदेय पर काम करता है और बुढ़ापे में उसको पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं मिलती, तो फिर ये सांसद विधायकों को वोट पाकर के जो बन जाते हैं उसके बाद में इनको जीवन भर तमाम वेतन भत्ते फिर क्यों दिए जाते हैं, ये भी तो एक तरह का बोझी है, तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। वहीं पर देखिए, मान जो है ने कहा कि किसी को 3.50 लाख रुपया यानी 3.5 लाख रुपया, किसी को 4.5 लाख रुपया, किसी को जो है 5,25,000 रुपया की पेंशन मिलती है। इसका सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पूर्व विधायकों के परिवार की पेंशन में भी कटौती की जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में संबंध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विधायक को 1 कार्यकाल के लिए 75,000 रुपए की पेंशन मिलती है, इसके बाद आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66% पेंशन राशि मिलती है। अब आप सोचो, नौकरी पाते हैं लोग, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और इन सबको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि यही सब बनाने वाले हैं, यही सब जो है लोगों को देने बिगाड़ने वाले, सब कुछ करता धरता यही है और अपने अपने लिए सब कर लेते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। जनता मांगे तो लाठी मिलती है, कहते हैं आपके पास अधिकार नहीं है। उदाहरण आप जो है मध्य प्रदेश के सांसद जी को ले लो, किस तरह से बहनों के साथ वो कह रहे थे और क्या क्या उन्होंने कह दिया। आगे देखिएगा, आगे के कार्यकाल में कह रहे हैं 66% की अतिरिक्त राशि इस तरह से मिलती रहती है, तो अब बताया जा रहा है कि वो सब उनको बंद हो जाएगी। खैर, बाकी जो राज्य सरकारें ऐसा आसानी से नहीं करने वाली, वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है नेता जो भी चुनाव लड़ता है वो गरीब नहीं होता है, उसके पास जो है अथाह पैसा होता है, ये हर कोई जानता है और वही चुनाव लड़ता है। जो बेचारा भोला भाला होगा चुनाव में आएगा ही नहीं, आप सोच, आप समझ रहे हैं चीजों को। तो ऐसे लोगों को जब उनकी आर्थिक स्थिति खुद ही मजबूत है तो जीवन भर उनको जनता के पैसों की पेंशन क्यों दी जाए। अरे कर्मचारी जीवन भर काम करता है तो उसके लिए पेंशन का इंतजाम होना चाहिए, ना कि नेताओं के लिए। आगे देखिएगा, 6 प्रमुख मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहने मध्य प्रदेश में धरना दे रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के एक वीडियो को लेकर के 5 बजे हमने वीडियो दिया है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आप सुधांशु पटेल चैनल पर जो है आज शाम 5 बजे वाला वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उसको एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहनों के साथ जो भी वहां पर हुआ है बहुत ही सच्चाई से आप उसको उठाया गया है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, ये छाया सेन बहन आती हैं धार जिले से, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। मध्य प्रदेश में जो है वहां पर इस तरह से धरना प्रदर्शन बहनों का चल रहा है और उनकी मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर के बहनें अपना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पर अगर आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखें तो बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2018 में की घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1500 और सहायिका के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की थी, और लेकिन अभी उसका एरियर का भुगतान बहनों को नहीं हुआ है, यानी वो पैसा अभी तक मिल नहीं रहा है, बस बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी हो जाती है, पैसे नहीं मिलते। जैसे यूपी में ही आप ले लो, आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी तो एक बार 1500 बढ़ा, ऐसे कई बार पैसे बढ़ाए गए, लेकिन अभी तक बहनों के हाथ पर फूटी कौड़ी वो वाली नहीं आई। तो यहां पर इस तरह से जो है काफी समस्याएं बहनों के मन में बनी रहती हैं। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, दोपहर का वीडियो जरूर देखना, और ये मुरादाबाद वाले जो सरकारी आदेश के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अगर स्वयं सहायता समूह में आंगनबाड़ी
बहनें होती हैं, तो ऐसी बहनों पर जो है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो बहनें थोड़ा संज्ञान लें, जो भी समूह में है उनके ऊपर कार्रवाइयां हो सकती हैं, ऐसा पूरा अनुमान नजर आ रहा है इस वाले सरकारी आदेश के मुताबिक। खैर, हो सकता है आने वाले वक्त में अन्य जिलों में भी यही जो है मुद्दा ज्यादा तूल पकड़े। तो आप सब क्या अपनी राय देना चाहोगे, प्लीज कमेंट के माध्यम से आप दे सकती हैं, एक बार बताना। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं तक।